नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं लेकर के आई हूँ करेले। करेले बनाने वाले हैं आज, भरवा करेले बनाने वाले हैं तो, और बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। कोई तीखा कड़वा जो होता है टेस्ट, बिल्कुल सभी मांग मांग कर खाएंगे, इतनी अच्छी अच्छा टेस्ट बनेगा इसका। तो मैंने उसके लिए लिया है आधा के जी करेला है। तो करेला लेते समय ध्यान रखें कि बहुत ही लंबा करेला नहीं लें और ना ही बहुत ही छोटा लें, ये बिल्कुल इतना बड़ा साइज बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको पहले क्या करेंगे कि इसको छील लेंगे, ऊपर से छिलका हल्का निकाल लेंगे और छील कर इसको रखेंगे, फेंकना नहीं है। सारे करेले को इस तरह से छील लेंगे, ये देखिए। इसका बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आएगा और कई दिनों तक रख करके इसको खा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से छील लेंगे और छील कर इस तरह से काट लेंगे। इसी तरह से सारे करेले को छील लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी करेलों को छील लिया है और अब यहाँ से इसे कट कर देंगे ऊपर से कैप के पास से, और यहाँ से एक चीरा लगा देंगे, देखिए यहाँ से इस तरह से। और इसका बीज देख लेंगे कैसा है। देखिए बीज इसके बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो बीज को मैं निकाल दूंगी। बीज को वेस्ट नहीं करेंगे, इसको इसे भी यूज में लेंगे पर अभी बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसमें फिल करना है। यदि नहीं निकालेंगे तो इसमें अच्छे से मसाले फिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसे निकालना ज़रूरी है। मैंने आधा के जी करेला लिया था, इसे अच्छी तरह से धो लिया था पहले। ये देखिए, मैंने इस तरह से पूरा खाली कर लिया है। इसी तरह से सभी करेलों को खाली कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इन बीजों को बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने एक छोटी चम्मच हल्दी ली है और यहाँ पर नमक लिया है एक छोटी चम्मच। तो इन सबको, इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। और ये जो करेला मैंने लिया है तो करेले को अंदर बाहर से दोनों तरफ से इसमें नमक और हल्दी लगा देंगे। ये देखिए, अंदर बाहर दोनों तरफ से ये हल्दी और नमक जो मिला करके रखा है पाउडर, इसे लगा देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इसी तरह से सारे करेलों में लगा देंगे अंदर। ये देखिए, मैंने सभी करेलों में लगा दिया है और ये जो बचा है बाकी का, मैं ये जो छिलका बचा था मैं इसी में मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आधा घंटा के लिए रख दिया था इसमें नमक और हल्दी लगा करके। अब इसे वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी कड़वाहट जो हो वो निकल जाएगा, इसका कोई भी विटामिन ख़त्म नहीं होगा, जो कड़वाहट है सिर्फ वही निकलेगा और इसे हम यूज करेंगे। ये देखिए, मैंने धो करके अच्छे से दबा करके इसका पानी निकाल लिया है और इसे भी धो लिया है। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई। ये देखिए, मैंने इसमें सरसों का एक चम्मच तेल डाला था, इसको खूब अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म कर लिया है। अब इस गैस को बिल्कुल कम कर दिया है, स्लो पे कर दिया है। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं डालूंगी इसमें। ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने छिलका लिया था करेले का, इसे निचोड़ दिया है अच्छे से। देखिए इस तरह से पानी निकाल देंगे हाथ से दबा दबा करके और कढ़ाई में डाल देंगे। पानी निकालने तो सिर्फ कड़वाहट निकल गया, बाकी इसमें सारा चीज रह गया। मैंने सारे छिलकों को यूज कर लिया है। ये देखिए, जो मैंने बीज निकाल करके रखा था इसे भी डाल देंगे, इसी के साथ इसे भी पका लेंगे। आप चाहें तो इसको क्रश भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डाल दूंगी एक बड़ा प्याज, मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, इसे भी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिए हैं दो आम के अचार हैं, ये इसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे, इस तरह से काट लेंगे इसे। यदि आपके पास कच्चे आम है तो वो भी काट करके डाल सकते हैं, या तो फिर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है, किसी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो इसे बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए, मैंने काट लिया है आम के अचार को। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ मसाले। ये देखिए, यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है दो चम्मच,
और एक चम्मच सौंफ का पाउडर है, मोटा मोटा कुटा हुआ है, और आधी छोटी चम्मच है ये हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच है ये काली मिर्च पाउडर, और एक छोटी चम्मच है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, और ये आधी छोटी चम्मच है तीखी वाली लाल मिर्च, और कश्मीरी मिर्च का पाउडर है एक चम्मच। ये देखिए इन सारे मसालों को मैं डाल दूंगी जो मैं भून रही थी उसी के अंदर, और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले भी थोड़ी देर तक पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। यहाँ पर डाल देंगे स्वादानुसार नमक, कि मैंने करेले में और उसके छिलकों में नमक डाल रखा था उसी के हिसाब से डालेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो सकता है। और ये जो मैंने काट करके अचार को रखा था ये भी डाल देंगे। सभी मसाले, यदि आपको प्याज पसंद नहीं है तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, कहीं जर्नी में ले जाना हो तो प्याज को आप छोड़ सकते हैं, प्याज वाली मसाले थोड़ी सी जल्दी खराब होते हैं, तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं ये। ये देखिए हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस यहाँ पर बंद कर देंगे, मसाले को थोड़ी सी ठंडा करेंगे, उसके बाद फिल करेंगे करेले में। ये देखिए हमारे मसाले जो हैं भरने के लिए तैयार हैं, मैंने प्लेट में निकाल लिया था मसालों को, अब इसमें अच्छे से फिल कर देंगे इस तरह से, चम्मच की सहायता से लेकर के दबा दबा के अच्छी तरह से इसको फिल कर देंगे। इसी तरह से सारे करेले को भर देंगे। ये देखिए हमारे सारे करेले अच्छे से दबा दबा करके मैंने फिल कर दिया है, इतना सा मसाला हमारा बच गया है, तो कोई बात नहीं ये काम आ जाएगा। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है जिसमें मैंने मसाला भुना था, और इसी में मैं इस करेले को जो फिल करके रखा है इसे लगा देंगे, धागा बांधने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पर इस तरह से सारे बिठा दूँगी। और ये देखिए इसे कर देंगे कवर अच्छे से ताकि स्टीम हो जाए अच्छे से, 10 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसे उतार लेती हूँ। ये देखिए इसमें डंडियाँ लगी रहती है तो इसको पकड़ के इस तरह से उठाने में बहुत ही अच्छा रहता है, और उलट पलट करने में भी अच्छा रहता है। देखिए हमारा कितना अच्छा से इसकी फिलिंग दबा दबा के मैंने भरी थी, निकल नहीं रहा है ये अच्छे से, तो अभी मैं इसको फ्राई करूँगी तेल में। ये देखिए वैसे कुक अच्छी तरह से हो चुका है ये, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो इसके कवर है इसमें भी नमक वगैरह था पहले से, मैंने लगाया हुआ था। अब हम इसको तेल में फ्राई कर देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा जब तेल में फ्राई कर देंगे, ज़्यादा दिन तक रख भी पाएंगे, कहीं लेकर के जाना हो तो भी ले जा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड डाला, एक चम्मच डाला हुआ है, एक बड़ा चम्मच, और इसको अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया, कम गर्म कर लिया उसको सिम करके। अब इसको एक एक करके करेला हम डाल देंगे। सारे करेले को उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। ये देखिए करेलों को जिधर से सिक जाएगा इसको धीरे धीरे से पलट देंगे इस तरह से चम्मच की सहायता से। ये देखिए हमारे करेले बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं बिल्कुल। अब ये जो हमारे पास मसाले थोड़े से बचे थे इसे भी इसी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए हमारे करेले बनकर के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर मैं अब कर दूंगी गैस को बंद। ये देखिए हमारे करेले बिल्कुल हो गए हैं तैयार, अब हम इसे कर देंगे प्लेटिंग।
ये देखिए मैं एक को काट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा बना है। जब एक बार खाएंगे ना तो सारे ही खाना शुरू कर देंगे, बच्चे जो खाते नहीं करेले डर से कि कड़वा लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा बना के तैयार हुआ है और बिल्कुल ही भी सॉफ्ट है एकदम, और कहीं भी ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लंच में भी दे सकते हैं इसे, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है और आप एक बार बनाएंगे तो आपको हमेशा बनाने का मन करेगा। इसमें हरी धनिया की पत्ती से कर देंगे थोड़ी सी गार्निश। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।